नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी नए तरीके से आलू के पराठे। अगर मेरे रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बनाते हैं, पहले मैं अपनी सामग्री बताऊंगी। हमने देख आलू लिया है, 6-7 आलू लेके उसे कट कर उबाल लिया है, उबाल के हमने छील लिया है। और आलू में मसाला बनाने के लिए हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा 2-4 कड़ी पत्ते लिए हैं और धनिया के पत्ते। सेकने के लिए तेल, नमक और भरने के लिए आटा हमने लिया है। अब सबसे पहले हम आटा को गूंथेंगे अपने। पहले हम थोड़ा सूखा आटा अपना निकाल देंगे बेलने के लिए, और इसका आटा नरम ही लगाना है हमें, मुलायम। इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे, और अब हम इसे आटे को गूंथेंगे। आटा गूंथ लिया है, अब आटे में हम 1 चम्मच तेल जरा लगाएंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। हमने अपना आटा गूंथ लिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपनी दूसरी तैयारी करेंगे। हम आलू के मसाले के लिए हम अपना मसाला पीसेंगे। देखिए, इस थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। 6-7 हमने मिर्चियाँ ली है और कड़ी पत्ता, लहसुन 1 कली हमने, इसमें हरी लहसुन के पत्ते भी आप डाल सकते हो, हमने सूखा ही डाला है। और ये अपनी धनिया के पत्ते, अब इसे हम धो लिया है साफ करके, ऐसे छोटे काट के हम इसमें पीसेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, 2 चम्मच हमने नमक डाला है। अब हम इसे पीसेंगे। हमने अपना मसाले पीस लिए हैं, देखिए। और अब हम अपना इसे तैयार करेंगे। हम थाली लेंगे एक, और अपना ये आलू हमने लिया है, इसे हम उबाल लिया है। अब इसे हमें सारे आलू को फोड़ना है। हमने सारे आलू को मसल लिए हैं इसे अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपना ये मसाला जो है हमने पीसा है, इसे हम डालेंगे। बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा ये होता है, झटपट तैयार हो जाता है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से हमने नमक डाला है, और ये हमारा 1 कटी हुई छोटे छोटे टुकड़े करके हमने लिए हैं प्याज, इसे भी हमें कच्चे ही इसमें डालने हैं। और अब हम इसे अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हमने मसाले सारे ऐड कर लिए जो पीसे थे, और प्याज कितने हरे भरे हो गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में रखेंगे और अपना पराठा हम बनाना तैयार करेंगे। अब हम अपना चकली बेलन लेंगे और अब हम अपना पराठा बनाना शुरू करेंगे। और हमने गैस चालू करके गैस पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। चलिए अब हम अपना पराठा बनाते हैं। ऐसे हम हाथ में थोड़ा आटा लगा लेंगे, क्योंकि हमारा आटा थोड़ा मुलायम रहता है, और हमें थोड़े पेड़े के जैसे लोइयां बना लेनी है। इस तरह से हम अपने लोइयां बनाएंगे। देखिए, हमें इस तरह से थोड़ा गोल बना लेना है। और अब हम इसमें अपना आलू वाला मसाला इसमें भरेंगे। जितनी लोइयां हैं हमारी, उतना ही हमें मसाला भी लेना है। और अब इसे हम बंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा ये होते हैं, ठंडियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मिल जाए तो नए आलू का बनाइए, नहीं तो जो मिला वही अच्छा है। इस तरह से हम इसे बंद करेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे
और इस तरह से हम अपना बेलेंगे इसे आसानी से, ज़रा भी ये फटेगा नहीं। और हमारा तावा गर्म हो गया है, हम तावे पे पहले थोड़ा ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं, और हम इसे डाल देंगे और हम दूसरा पराठा अपना बनाएंगे। जब तक देखिए हमने अपना पराठा पलट दिया है और हम इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा तेल लगाएंगे दोनों तरफ से और हमारा सिक जाएगा। 2 मिनट में हमारे पराठे फूलेंगे। हमारे पराठे सेक लिए हमने, कितने अच्छे गोल्डन कलर के हो गए हैं। अगर हम ऐसे बनाइए बहुत ही टेस्टी होते हैं ना ब्रेकफास्ट में। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम पराठा हमारा सक गया है, अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और हम इसे परोसेंगे। देखिए हमने पराठे सेक लिए हैं और ये अपनी ग्रीन चटनी हमने बनाई है, टमाटर की चटनी है ये। आप आंवला की और सॉस के साथ अचार आम का लिया है और बटर के साथ आप इसे खा सकते हैं। कैसे लगे हमारे आलू के पराठे, नए तरीके से बनाइए और खाइए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट थर्सडे को। थैंक यू।